दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए किस तरीके से अपनी धमाकेदार और सनसनी मचाती हुई बल्लेबाजी से शेखर भरत और विराट कोहली ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और किस तरीके से शेखर भरत की शानदार बल्लेबाजी के दीवाने पूरी दुनिया में दिखाई दिए और भारतीय टीम ने पहले दिन किस प्रकार का प्रदर्शन किया और क्या है मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स, ये तो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शेखर भरत, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लिसेस्टर काउंटी टीम के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, जिसमें सबसे पहले भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के चले जाने से भारतीय टीम कमजोर तो हुई, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने हमेशा की तरह इस बार भी तहलका मचा दिया, जिसमें सबसे पहले पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और गिल ने करी और दोनों ही बल्लेबाजों ने 36 रनों की शानदार साझेदारी करी, जिसमें रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने 5वीं गेंद पर 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर अपना खाता चौके के साथ खोल दिया और लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन 10वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों गेंदबाज विल डेविस ने ओवर की दूसरी गेंद पर कैच आउट करा दिया और आउट होने से पहले शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 21 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने हनुमा विहारी आए। तो वहीं 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोमन बोलकर को हनुमा विहारी के द्वारा 1 रन जड़कर भारतीय टीम ने अपने 50 रन पूरे किए। तो वहीं 15वें ओवर जो प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा डाला गया था, वो इस मुकाबले का पहला मेडन ओवर साबित हुआ और इसके अलावा 16वें ओवर में जब गेंदबाजी करने रोमन बोलकर आए तो ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया और इस बार कप्तान रोहित शर्मा को 47 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 25 रन बनाकर संकंडे के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी विराट कोहली आए, जिनसे एक बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद भारतीय टीम ने की थी और उन्होंने अपनी दूसरी गेंद यानी कि 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना खाता चौके के साथ खोला। तो वहीं 18वें ओवर को कराने जब रोमन दोबारा से आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर हनुमा विहारी को 23 गेंदों पर 3 रन बनाकर सैम के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और ये ओवर मेडन ओवर रहा। तो वहीं अगला ओवर प्रसिद्ध कृष्णा कराने के लिए आए और उन्होंने भी मेडन ओवर डाला, लेकिन 21वें ओवर में श्रेयस अय्यर की पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए और 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपना पहला चौका रोमन की गेंद पर जड़ा। तो वहीं 24वें ओवर में पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा और ओवर की तीसरी गेंद पर रोमन ने वापसी करते हुए जडेजा को 13 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाकर LBW आउट कर दिया और भारतीय टीम को 5वां झटका देकर पूरी तरीके से परास्त कर दिया था और लंच तक भारतीय टीम ने 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। लेकिन इसके बाद जब लंच समाप्त हुआ तो बारिश के कारण मुकाबला थोड़ी देर से शुरू हुआ और मुकाबला जब दोबारा से शुरू हुआ तो भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करी और यहां से विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे, जिसमें 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने प्रसिद्ध कृष्णा को करारा छक्का जड़ दिया, जो विराट कोहली और इस पारी का पहला छक्का था। तो वहीं 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को गेंदबाजी कराने आए जब रोमन आए तो ओवर की तीसरी गेंद पर रोमन ने शानदार लेंथ बॉल डाली, लेकिन विराट कोहली इस गेंद को पढ़ने में असमर्थ रहे और बल्ले से गेंद दूर रह गई और थाई पर विराट कोहली के जा लगी। इसके बाद गेंदबाज रोमन ने बहुत ही शानदार तरीके से अपील करी थी और इस आत्मविश्वास भरी अपील को देखकर अंपायर ने विराट कोहली को LBW आउट करार दे दिया, जिसके बाद विराट कोहली
देखने लगे कि गेंद ज्यादा बाउंस थी या नहीं और अंपायर के इस फैसले का सम्मान किया, लेकिन अंपायर से बातचीत करने लगे और अंपायर ने उनसे पवेलियन को जाने के लिए कहा तो विराट कोहली अंपायर से बहस करने के बाद जाने लगे और आउट होने से पहले विराट कोहली ने 69 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रनों की पारी खेले थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए और वो भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और 42वें ओवर में पहली गेंद पर रोमन के हाथों 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए उमेश यादव आए और यहां से तेज तर्रार बल्लेबाजी प्रारंभ हो गई, जहां 45वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके उमेश यादव ने जड़ दिए। तो वहीं 46वें ओवर में श्रीकर भरत ने लगातार 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका नेथन को जड़ दिया और लगातार प्रत्येक ओवर में कोई ना कोई बल्लेबाज चौका लगा रहा था और टीम को 53वें ओवर में सकंडे की चौथी गेंद पर 93 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 54वें ओवर में अंतिम गेंद पर बिल डेविस ने उमेश यादव को 32 गेंद पर 4 चौके की मदद से 23 रन बनाने के बाद जॉय के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने मोहम्मद शमी आए तो वहीं 58वें ओवर में मोहम्मद शमी ने बिल डेविस को लगातार 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया और 59वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 चौका जड़ा और इसी तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 60 ओवर में 246 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें श्रीकर भरत ने अपना अर्धशतक पूरा किया और बारिश के कारण खेल को फिर से रोका गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम की तरफ से किस बल्लेबाज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।